सभी को प्रेम वंदन। आइए, ये YouTube पर लाइव है। मुझे पता है लोग मूव करते तो नहीं है, फिर भी ढीठ होकर कहना पड़ता है कि YouTube पर कुछ लोग मूव कर जाएं। अगर आपको ज्यादा ही वो हो तो दोनों जगह चला सकते हैं, लेकिन यहाँ पर भी प्रेजेंस होनी चाहिए, क्योंकि लोग देखते हैं, उनको कोई मिलता नहीं है, दो लोग वापस लौट जाते हैं, वहां से सारा पर्पज जो है वो मिस हो जाता है। कोशिश किया करें लोगों को, आप में से कुछ लोग उस पर मूव हो जाएं। मूव कर जाएं कुछ लोग प्लीज। कुछ लोग YouTube पर मूव कर जाएं। आगे से फिर जूम को इसीलिए बंद करना पड़ता है कि नहीं जूम होगा तो फिर लोग यहाँ पर होंगे कि ना होंगे तो वहां ज्यादा होंगे, फिर वो लोग बोलते हैं कि विदेशी जैसा लगता है कि जैसे आप कनेक्टेड नहीं है, तो फिर वो भी एक सेशन एक इशू बना रहता है। लेकिन सबकी सब सारी बातें नहीं सुनी जाती, तो वी हैव टू थिंक अबाउट, क्योंकि ऐसे ज्यादा लोगों तक पहुंच पाना पॉसिबल है। हमारे लिए सबसे बड़ी प्रायोरिटी ये है कि ज्यादा लोगों को दिया जाए, क्योंकि मेहनत उतनी ही है, लेकिन फिर बाकी लोग इसमें मेहनत नहीं करते भेजने में। चलिए कोई बात नहीं, हम अपना कार्य करते हैं। श्रीमद् भागवत गीता में भगवान श्री कृष्ण के ये पावन वचन है, चैप्टर 9 श्लोक नंबर 27। भगवान कृष्ण फरमाते हैं कि हे अर्जुन, तू जो भी कर्म करता है, जो खाता है, जो हवन करता है, जो दान देता है, जो तप करता है, वह सब मेरे अर्पण कर दे। वट एवर यू डू, यू ईट, यू सेक्रीफाइस, यू गिव, इन वट एवर ऑस्टेरिटीज यू एंगेज, डू इट एज एन ऑफरिंग टू मी। बिना परमात्मा के ये सारी चीजें भी बांधने वाली हो जाती हैं। लगता तो सारे काम अच्छे अच्छे से हैं, ये दिखने में ये लगता है कि जो हवन करता होगा वो कितना पवित्र होगा, पर अगर उसके दिल में भक्ति और प्यार नहीं है, परमात्मा के प्रति समर्पण नहीं है, तो ये सारी बातें बांधने वाली बन जाती हैं। इसलिए भगवान श्री कृष्ण पहले ही स्टेप में उससे बाहर निकालने का प्रयास करते हैं। सारे ही बंधे पड़े हैं, नेगेटिव कर्म करने वाले तो बंधे ही होते हैं, पॉजिटिव करने वाले भी बंध जाते हैं इस बात के अहंकार के कारण कि मैं करता हूं। जब लग जाने मैं किछ करता, गर्भ जून में पड़ता। जब तक ये जानता है कि मैं करता हूं, तब तक ये बार बार गर्भ जून में आता रहेगा, बार बार संसार में ये भटकन जारी रहेगी कि मैं करने वाला हूं। सबसे बड़ी बात जो समझ लेने वाली है, जिसके लिए संत बार बार दुहाई देते हैं, बात समझाते हैं, वो है कि किसी तरीके से हमारी ये बात समझ आ जाए कि हम करता नहीं है, ये सारा का सारा सिस्टम परमात्मा के द्वारा प्लान किया हुआ है, हम सिर्फ उसका एक पार्ट हैं, जो एक ऑब्जर्वर मात्र है, जो केवल देखने वाला है और देख रहा है और आनंद ले रहा है। एक छोटा बच्चा पिता की उंगली पकड़ी हुई है, आनंद ले रहा है, सब कुछ उसके लिए खुशियों भरा है। बस एक ही दिक्कत है कि जब वो जैसे जैसे बड़ा होता जाता है, उसके अंदर जो वो क्यूटनेस होती है, वो जो प्यार होता है, वो जो उसके अंदर एक ऐसा अचेतन बच्चे के अंदर जो कोमलता थी, जो सॉफ्टनेस थी, वो सब धीरे धीरे लॉस हो जाती है जैसे बड़ा हो जाता है। इतनी जटिलताएं, इतनी कठिन चीजें बीच में आ जाती हैं कि सब बिगड़ जाता है। वो बिगाड़ आखिर कहां से पैदा हुआ? परमात्मा सदा सर्वदा उपलब्ध था हमें, हमने उसे जटिल बना दिया, कॉम्प्लिकेट कर दिया। बीच में बस एक ही बीमारी ने सारा खेल बिगाड़ा है, और वो है ईगो, अहंकार। मैं करता हूं,
और वो हर बात के लिए वैलिड है, वो पूजा पाठ करता है और उसके आगे मैं लगा देता है, क्रॉस लग गया, बांधने वाला हो गया वो पूजा पाठ भी। बात समझ में आ रही है? मैं करता हूं, ये बात से बाहर आते आते बड़ा टाइम लग जाता है, लोगों को समझ नहीं आके देती। भक्ति के मार्ग में सबसे बड़ी रुकावट, सबसे बड़ी बाधा अगर कोई है तो ये भाव हटाना। साधना के मार्ग में तो भाव बहुत खतरनाक है ये वाला, भक्ति में फिर भी हम पहले डे वन से समर्पण करके चलते हैं। अभी आपने देखा ना कि मैंने अपने गुरु के आगे कैसे प्यार से समर्पण भाव रखा, भाव कि मैं कुछ हूं ही नहीं, मैं अपराधी जीव हूं, नख शिख भरा विकार। आप अपने लेवल पर सोचोगे तो के भी कोई ऐसा कह दे तो किसी कौन से पाप करके आया, तो ऐसे कौन से पाप कर रखे। पाप ये मानते हुए कि मेरे से अगर कुछ होगा तो वो गलत ही होगा, वो शुद्ध हो ही नहीं सकता। मैं अपने आप को, क्योंकि इसके अंदर जो अहंकार का भाव है, सारी मुसीबत उस अहंकार के अंदर है, सारी समस्या की जड़ अहंकार है, मैं भाव है। चाहे उससे तू पूजा कर ले, चाहे उससे तू दान कर ले, चाहे उससे कोई हवन कर ले, चाहे उससे कोई गलत काम कर ले, सबके अंदर कर्ता अगर बचा हुआ है तो वो हर काम जो है तुम्हें बांधने वाला हो जाएगा। गुरु नानक साहब जी ने क्लियर डिक्लेयर कर दिया, जब लग जाने मैं किछ करता गर्भ जून में पड़ता। किछ कुछ में कुछ भी आ जाता है, अच्छा बुरा ये बात ही नहीं है। तो ये कर्तापन कैसे मिटे? ये कर्तापन भी उसकी कृपा से ही मिटता है। अगर मैं कहूं कि मैंने अपना कर्तापन मिटा दिया, फिर क्रॉस का क्रॉस, फिर वैसे का वैसे ही रह गया ना, मैंने अपना कर्तापन मिटा दिया। अरे भगवान को पूरा समर्पण कर दिया, आठ माला करी आज, कर दी भाई, बड़ा एहसान कर दिया आज, बड़ा दान किया आज, तथा बहुत बड़े महान कार्य कर दिए। सब बांधने वाले हैं, सब फंसे पड़े हैं, ये भी फंसे पड़े हैं, भक्त भी जो सो कॉल्ड भक्ति करते हैं, ये सब बंधे पड़े हैं। तो भगवान श्री कृष्ण की ये पवित्र वाणी में इसलिए आज ढूंढ के, जो तू कर्म करता है, पहली बात में ये फरमा देते हैं, जो खाता, जो हवन करता, दान करता, तप करता, वो सब मेरे अर्पण कर दे। बात बड़ी छोटी सी लेकिन बड़ी पावरफुल है, बड़ी शक्तिशाली बात है। इससे पहले उन्होंने कुछ और भी कहा, पत्र पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रयच्छति तदहम भक्त्यु प्रयतम प्रश्नामी प्रेतात्मन। अर्थात जो कोई भक्त मेरे लिए प्रेम से, प्रेम से याद रखना पहला शब्द, पत्र पुष्प फल जल आदि जो भी अर्पण करता है, उस शुद्ध बुद्ध निष्काम प्रेमी भक्त का प्रेम पूर्वक अर्पण किया हुआ वह पत्र पुष्प इत्यादि मैं सगुण रूप से प्रकट होकर प्रीति सहित खाता हूं। भगवान फरमा रहे हैं कि मैं प्रीति सहित खाता हूं। तो यहां यह है ऑफरिंग करना, परमात्मा को, गुरु को ऑफर करना चीजें। क्या हम भी करते हैं? मैं आपसे पूछता हूं, क्या आप इसी प्रकार प्रीति पूर्वक परमात्मा को समर्पित करते हैं? जरूर किया करें, बड़े प्यार से, बड़े प्यार से, बड़े प्यार से। आप केवल और केवल परमात्मा के प्रति एक प्रेम का भाव अपना लो, बाकी सब बातें उसके अंदर अपने आप क्लियर हो जाती हैं, अपने आप क्लियर हो जाती हैं। एकदम सीधा और स्पष्ट प्रेम का भाव आप, और उससे ऊपर कोई और बात नहीं है, जिसमें समर्पण आ गया, सब कुछ समा गया उसके अंदर। तो प्रीति पूर्वक प्यार से भजना, जब आप प्रीति पूर्वक भजते हो फिर आपको कोई बहुत ज्यादा फॉर्मल होने की जरूरत नहीं पड़ती। कुछ लोग सारी जिंदगी इसी बात को पकड़ के बैठे रहते हैं कि परमात्मा के साथ तू और मैं का रिश्ता भी हो सकता है क्या? हमारा तो है, मेरे तो रिश्तेदार लगते हैं, बताओ क्या कर लोगे? मेरा तो मित्र है, फिर क्या कर लोगे? आपके लिए जो मर्जी लगे, आप अपनी प्रीति निभाओ, हम अपनी प्रीति निभाए, ठीक है। तो ये रिश्ता जो है ये प्यार का है। अब ये प्रीति पूर्वक भजने वाला जो कार्यक्रम है ना, इसका मतलब क्या होता है? जो भी अर्पण करना, फॉर्मेलिटी नहीं करना,
गुरु के आगे दंडवत प्रणाम करना ना, जरा दंडवत कर ही देना, भावपूर्वक प्रीतिपूर्वक चरणों में साष्टांग दंडवत कर देना, प्रेम पूर्वक कुछ अर्पण करना, फूल रखना, तो उनकी सुंदर मूरत को निहारते हुए प्रेम पूर्वक उनको अर्पण करना, कुछ भोग लगाना, थोड़ा समय देना, प्यार से खड़े हैं, भोग तोड़ा, प्रभु को अर्पण किया, अपने हाथ से खिलाया, और फिर बड़े प्यार से उनका मुखारविंद साफ करते हैं, जल का भोग लगाते हैं। प्यार जो है हर जगह पर बस एक ही, कि मेरे भाव जा रहे हैं भगवान को, तेरे कोई आलू खीर पूड़ी नहीं खानी है, भगवान को तेरा प्यार चाहिए। तो वो प्यार का भाव है अथवा नहीं है, सर्वोत्तम बात इसी में आती है कि आप कितना प्यार अपने जीवन परमात्मा के प्रति अर्पण करते हो। तो भोग जरूर लगवाया करें और प्रेम पूर्वक लगवाया करें, ठीक है, प्रेम पूर्वक लगाया करें। यहां मैं ज्ञान की बात नहीं कर रहा, मैं फिर बता रहा हूं, यहां ज्ञान की बात नहीं हो रही है, प्रीति और प्रेम की बात हो रही है, भक्ति की बात हो रही है। और भक्ति तो ऐसे ही होगी, भक्ति बेवकूफों का काम है, ज्ञान वैन की तो हम बातें यहां नहीं कर रहे, ज्ञान तो उसमें बतेरा झाड़ लिया, अब बात प्यार की हो रही है, क्योंकि सबसे ईजी है ये, सबसे ईजी, ज्ञानी भी फंस जाता है। अभी ज्ञान की बात से शुरू करें ना, तो वो सारा कुछ करता है लेकिन अंत में जाके, अब देखो ये एक ज्ञानी की डिक्लेरेशन सुनो पहले, जरा आपको समझ में आ जाएगा। अष्टावक्र ऋषि जब फरमाते हैं ना कि आ ब्रह्म अस्तम्भ पर्यतम अहमेविति निश्चय निर्विकल्प शुचि शांत प्राप्त प्राप्त विनिवृत, तृण से लेकर तिनके से लेकर ब्रह्म तक सब कुछ मैं हूं। अहंकार की डेफिनेशन देखो, अगर कोई बंदा सोचे मैं कुछ नहीं, पहले यहां से शुरू हुआ, मैं अपराधी जीव हूं। अब सोचो कितना जमीन आसमान का फर्क है ना दोनों में। ज्ञानी की ज्ञानी जो है वो हमेशा ज्ञान से शुरू करेगा, अपनी आत्मा को जानेगा, और बात बड़ी बड़ी सुंदर है अभी, मतलब तिनके से लेकर ब्रह्म तक जो सब जगह फैला हुआ है वो मैं ही हूं, ये ज्ञानी की डेफिनेशन शुरू होती है। अच्छा, इसमें एक और बड़ी मजेदार बात बताऊं आपको, ज्ञानी जो सब कुछ होकर पा लेता है, भक्त वो ना कुछ होकर पा लेता है, सब कुछ और ना कुछ अंततः एक ही हो जाते हैं। पाते तो ज्ञानी भी हैं, ऐसा नहीं कि पाते नहीं है, लेकिन अहंकार के चांसेस ज्यादा रहते हैं, अहंकार के चांसेस। अब देखो सीधी सीधी अहंकार की डेफिनेशन नहीं लगती आपको, अगर ऐसे सीधे सीधे देखोगे तो भाई ये तो क्या बोल रहे हैं कि तिनके से लेकर ब्रह्म तक जो है वो मैं ही हूं, आपके मन में कुछ भी आ सकता है। ऐसा निश्चित रूप से जानने वाला विकल्प रहित पवित्र शांत और प्राप्त अप्राप्ति से आसक्ति रहित हो जाता है। अब ये देखो कितनी सुंदर बात, तो बड़ी प्यारी है ये, लेकिन इसमें अहंकार की गुंजाइश है। हम बात करेंगे यहां पर अहंकार को छोड़ने की, मिटने की, प्रेम में जीने की। सारी खेल प्रेम में जीने का है कि आप प्यार में कितनी आसानी से आपका ईगो जाता है। अब ईगो कैसे जाता है, ईगो जाने के लिए प्रीति प्रेम जरूरी है। आप प्रेम में समर्पित हो सकते हो, आप प्रेम में समर्पित हो सकते हो, बस प्यार से सब कुछ समर्पण किया जा सकता है। तो इसको अपने जिंदगी का एक अभिन्न हिस्सा बना लो कि आज से मैं जो भी कार्य करूंगा वो प्रीति पूर्वक करूंगा, प्यार से करूंगा, चाहे वो अपने ऑफिस का काम क्यों ना हो, चाहे वो घर का खाना बनाना क्यों ना हो, चाहे वो कपड़े धोना या बर्तन मांजना जैसे ट्रिवियल जॉब क्यों ना हो। पहली बात तो इसमें कोई संकोच नहीं करना कि भाई ये काम छोटा है या ये बड़ा है, हम अपने गुरु के दर पर सारे ही नौकर हैं और हम प्यार से सभी कार्य करते हैं। अभी मैं उस दिन किसी फ्रेंड से बात कर रहा था, कहता है वो डस्ट डस्टबिन की ना थैलियां सी बना बना कैसे रखी। मैंने कहा भाई क्या हुआ है, ये क्या चक्कर है, ऐसे कैसे लगा रखा हुआ है, मतलब डस्ट वो जो कूड़ा कचरा जो है ना वो थैलियों में डाल डाल कैसे रखा हुआ। कहता है वो नौकर आया नहीं, वो सब लेकर जाता है, यहाँ पता ही नहीं क्या करना है क्या नहीं करना, वो होता है तो ठीक, दो दिन से नौकर नहीं आ रहा तो वो छोटी छोटी थैलियां बांध कर रख रहा है। इतनी डिपेंडेंसी हो गई है कि छोटे छोटे काम भी हम अब खुद नहीं कर सकते। गुलाम है क्या किसी के हम, बिल्कुल भी नहीं, अपने गुरु के लिए नौकर है। इसलिए किसी भी काम में अपने घर के काम खुद से करने में क्या परहेज है,
किस बात का? तो कोई चौधरी नहीं बनना है, यहां पर एक सेवक बनना है, एक सेवक बनना है। लोग कई बार कहते हैं तू अनंतपुर जाता होगा, मतलब मुझे बोलते हैं कि तू जाता होगा तो तेरे गुरु महाराज तुझे पास बिठा के बातें करते हैं क्या? देखते भी नहीं मेरी तरफ, कौन मेरे जैसे पता नहीं 3600 वहां पर घूमते हैं, पता नहीं कितने आते हैं, तो पता कहाँ होता है हजारों लाखों की भीड़ में पता नहीं कितने, और मेरी तो औकात क्या, कोई लेना नहीं कोई देना नहीं। सबसे बड़ी बात है कि सतगुरु के साथ सबसे बड़ी पार्ट यह है कि गुरु तुम्हारे अहंकार पर चोट करते हैं, गुरु तुम्हारे अहंकार पर चोट करते हैं और गुरु तोड़ तोड़ के निकालते हैं। ये काम भगवान की जो मूर्ति है, खाली मूर्ति नहीं कर सकती, एक लाइव जीवित गुरु जो है ना आपके अहंकार को तोड़ेगा बड़ी जल्दी। मैं इस बार गए तो गुरुदेव ने वो खाने, जैसे वहां लंगर में खाना खाया, खाना खा के वो बर्तन रखने गए तो गुरुदेव कहते हैं वड़ जा अंदर सेवा पे, मतलब वड़ जा अंदर का मतलब है वो सेवा चल रही है बर्तनों की, तो इसमें उसी समय मतलब कुर्ता पहना हुआ था नया, गुरुदेव कहते ऐसे कैसे वड़ जा अंदर, वो पूरा 2 मिनटों के अंदर। अब जब जब झूठे बर्तन साफ करोगे दुनिया के तो फिर क्या बचेगा, कौन से कपड़े वपड़े, सब सब ठा ठा ऊपर नीचे सब काला पीला, और फिर उसके ऊपर पानी, पूरा 1.5-2 घंटे शरीर को बिल्कुल रगड़ के रख दिया। गुरु के चरणों में सेवा, अपने आप को मिटाकर कोई ये ना समझे कि कोई आप वहां पर मान लेने के लिए जाते हो, कोई आश्रम में जाओ और मंदिर में जाओ और कोई आपको कहे जी आइए, वहां कोई नहीं कहने वाला, वहां पर सर झुकाकर ही जाना पड़ेगा। इसलिए प्यार से मिटना है, वहां पर मिटना है। शुरुआत घर से ही कर दें, शुरुआत घर से ही कर दें। इस मामले में स्त्रियों की जो मेंटेलिटी है ना वो इजी है, माताओं बहनों की जो मेंटेलिटी है ना वो इजी है, क्योंकि समर्पण का भाव शुरू से रहता है, आसान है। इसीलिए भक्ति में ज्यादातर आप देखोगे कि अगर 100 लोग सत्संग में भक्ति के किसी प्रोग्राम में बैठे हैं ना, तो 100 में से 80, हो सकता है 70 या 80, वो सब लेडीज होंगी। एक बार हमारे किसी आश्रम की बात बता रहा हूं, तो वहां पर भी ऐसा ही हुआ कि देखता, तो एक भगत जी हमारे गुरु दरबार में, गुरुदेव के चरणों में माथा टेकने के लिए श्री आनंदपुर गए। गुरुदेव के चरणों में जैसे वो पहुंचे तो हमारे प्रभु ने फरमाया, उससे पूछा कि भाई तू जब तू अपने वहां पर तेरे पड़ोस पास में जो आश्रम है, कुटिया बोलते हैं उसे, तू आश्रम जाता है? तो उसने प्यार से हाथ जोड़कर विनती करी कि प्रभु वहां जाता तो पहले जाता था, वहां ना सारी लेडीज लेडीज होती हैं, तो मेरे से थोड़ा सा मेरे को थोड़ा कंफर्टेबल नहीं लगता, तो मैं अब तो नहीं जाता, सारी लेडीज लेडीज होती हैं तो मैं सारा कंफर्टेबल सा नहीं लगता, सारी मतलब भक्तानियां होती हैं, भक्तानी वर्ड यूज किया उसने कि भक्तानी होती हैं, तो सब लेडीज बैठी होती हैं, तो मेरे को इतना कंफर्टेबल नहीं लगता, जेंट्स कोई और होता नहीं। गुरु महाराज जी कहते हैं 5-80 नहीं बैठे होंगे, 5 मूर्ति तो हमारी भी लगी हुई है, 5 हम नहीं बैठे होते, तेरे को सिर्फ लेडीज दिखती हैं क्या, हम नहीं दिखते जिसके आगे तू मत्था टेकता है, हम तो जेंट्स हैं, अगर तू ये वाली भाषा ही बोल रहा है तो हम भी तो जेंट्स हैं, तो हम भी तो बैठे होते हैं, तू भी आगे बैठ जाकर हमारे साथ। भगवान बड़े मुस्कुरा रहे हैं, बात तो बड़ी बड़ी सुंदर है, हमारे लिए रास्ते खोलते हैं, बंधन तोड़ते हैं, ये सतगुरु की कृपा है, कहीं ना कहीं से कोई ना कोई तिकड़म लगा के कि, और भक्ति स्त्रैण भाव है, चाहे कोई मैस्कुलिन मतलब मेल भी है वो भी करेगा तो भक्ति है वो। अब भक्ति किसी किसी जेंट्स का नाम तो नहीं हो सकता, जाहिर सी बात है, अगर होगा तो किसी स्त्री का नाम ही होगा, तो स्त्रैण भाव है, भाव जब भी होगा तो प्यार वारी, एक कोमलता होगी उसमें, एक ममता होगी, एक प्रेम का भाव होगा, एक सहनशीलता होगी, जबकि जो मेल वाला जो भाव होता है वो ईगो का भाव होता है, अहंकार का भाव लगता है। अब मजे की बात है कि हमें तो प्रभु ने दोनों ही रास्ते पकड़ के दे दिए कि भाई दोनों पे ना एक साथ चलना है, क्योंकि ज्ञानी भी मिलेंगे और भक्त भी मिलेंगे, और दोनों पर एक साथ कैसे चला जाए, ज्ञान और भक्ति का ऐसा कॉम्बिनेशन बिठाया जाए कि जहां एक तरफ कह दो कि मैं पूरा फैलता जा रहा हूं, मैं तो मेरा विस्तार होता जा रहा है,
तिनके से लेकर ब्रह्म तक सब मैं हूं। बड़ा, अरे वाह, बहुत बड़ी बात हो गई। और एक तरफ कह रहे मैं अपराधी जीव हूं, नक्षिक भरा विकार, फिर अंदर तो कुछ है ही नहीं, सारे पाप ही भरे पड़े। अब लगती तो दोनों बातें बिल्कुल ऑपोजिट हैं, पर ये एक ही चीज का दो पार्ट है। जो वो अहंकार से जो कह रहा है कि यहाँ धरती तिनके से लेकर ब्रह्मांड तक सब मैं ही हूं, वो आत्मा उस सदा सर्वदा उतनी ही मुक्त, उतनी ही आनंदमय है। लेकिन जो उसके बीच में एक मन नाम का जो तत्व जुड़ जाता है ना, जो अहंकार जुड़ जाता है, वो कहता है कि ये मैं, और वो हमेशा उस महान ऊंचाइयों पे जीने वाली आत्मा को तुच्छ बना देता है। फिर वो गुरु के सामने समर्पित होता है, जिसके कहते हैं मैं अपराधी जीव हूं। तो अपराध किसने किए हैं? मन ने किए हैं, अहंकार ने किए हैं। आत्मा कभी अपराध थोड़ी कर सकती है। आत्मा क्यों? आत्मा शुद्ध है, पवित्र है, एक नन्हे बच्चे की तरह। छोटा बच्चा क्या अपराध करेगा? उसको अपनी डिमांड, छोटी मोटी बातें, दूध चाहिए, रो लिया पिट लिया, अम्मी ने लाके दूध दे दिया, बात खत्म हो गई। बस कोई खिलौना चाहिए, रो लिया पिट लिया, अम्मी ने लाके खिलौना दे दिया। खाना चाहिए, ये खाना मिल गया। बस इतनी सी बात है उसकी जीवन में। लेकिन जैसे ही थोड़ा सा बड़ा होता है, अब चाहिए नहीं तो आंदोलन करूंगा। अब वो जब वो वाला आना शुरू हो जाता है, अब ये अहंकार इसके अंदर जागने लगा है। और ये अहंकार हम ही भरते हैं, हम ही कहते हैं। छोटे बच्चे को ना अहंकार बिल्कुल भी नहीं होता। जी ये किसकी है? मम्मा किसकी है? मेरी। पापा किसकी हैं? मेरे। अहंकार आ रहा है धीरे धीरे करके, हम ही डाल रहे हैं। वो बढ़ता बढ़ता फिर इतना हो जाता है, फिर वो कहता है ये गाड़ी किसकी है? मेरी। ये घर किसका है? मेरा। और फिर तुम्हें उठा के बाहर फेंक देता है वो। ये अहंकार का विस्तार हम ही करते हैं। अहंकार थोड़ा सा हो ना, थोड़ा सा नमक की तरह से, बस इतना सा चल जाता है। इतना होना भी चाहिए, संसार में जीना है ना, बिना जीरो अहंकार के तो आप जी नहीं सकते। तो थोड़ा तो कहना पड़ता है कि हाँ मैंने किया। कोई काम में आप कह सकते हो हाँ खाना मैंने बनाया। अब इसमें आप ये तो हर बार नहीं कहोगे नहीं नहीं खाना बन गया। अच्छा तो बन गया मतलब क्या हुआ? अब अपने आप थोड़ी बन गया, आपने बनाया, मतलब बनाने में जो भी एफर्ट डाला, और कहना पड़ता है। प्रैक्टिकली तो आप ये कहोगे कि हाँ बना, खाना मैंने बनाया, इट्स ओके। इतनी बातों में कोई मारामारी नहीं पड़ती। मारामारी तब पड़ती है जब ये अहंकार इतना प्रबल हो जाता है, ये करता है मैं करने वाला हूं, और रावण जैसा कहता है मैं ही ब्रह्मा, मैं ही विष्णु, मैं ही महेश, मेरे आगे सर झुकाओ, मैं लंकेश। अब वो लंकेश कहाँ पड़ा है? एक बाण लगा पेट में और सारा, राइट, एक लख पूत सवा लख नाती, तिस रावण घर दिया ना बाती। 1 लाख पुत्र सवा लाख नाती, और उस रावण के घर में कोई दिया जलाने वाला ना बचा। किसने मारा? राम ने नहीं, भगवान राम ने नहीं मारा, उसके अहंकार ने मारा, उसके अहंकार ने मारा। भगवान राम तो बहाना बने मारने के लिए, पर भगवान राम ना मारते तो कोई और किसी और के थ्रू मरवा देते। मारने को तो हनुमान जी भी मार देते, मारने को तो अंगद भी मार देता। वो तो बहाना, बहाना मेन तो चीज, जिसने उसको मारा वो उसके अहंकार ने मारा। तो उस अहंकार को धीरे धीरे करके, मतलब ये देखें कि किसी भी काम में ये अहंकार बढ़ तो नहीं रहा। बस अंततः जो कैलकुलेशन होनी है ना, वो इसी के बेसिस पे होनी है। इसने कोई भी काम किया, इसने अहंकार के रूप में किया या प्यार के रूप में किया, बस सारा भेद इसी बात का है, सारा भेद इसी बात का है। आपने किसी को देखा, प्यार से देखा या अहंकार से देखा? आपने किसी को नमस्ते करी, प्यार से करी या अहंकार से करी? बातें ट्रिवियल हैं, लेकिन भाव सारा खेल वही कर रहा सारा खेल वही कर रहा है। अब किसी को नमस्ते कर देने जैसा भाव भी अहंकार से भरा हो सकता है? बिल्कुल हो सकता नमस्कार जी। आप जब किसी को बोलते हो, किस ढंग से बोलते हो, अब वो जानने पहचाने वाला आपसे छोटा होगा, अपने अपने नौकर को या अपने से थोड़े छोटे लेवल के पर्सन को आप नमस्कार तो करोगे नहीं, लेकिन आप उम्मीद करोगे कि ये नमस्कार करे आपको। मैं उसके पास से निकला, भाई साहब ने नमस्ते नहीं करी, दिल कर रहा था कनपटी पे दो लगा दूं। क्यों बोला था? क्यों दिल कर रहा था? अहंकार को चोट लगी। सारी लड़ाई जो है ना वहीं वहीं चल रही है।
अहंकार को ऐसा लगा कि मेरे सामने तेरी औकात क्या। और याद रखना, ये हर एक के अंदर प्रबल है। कोई ये ना कह दे कि गरीब के अंदर कम होता होगा, बेचारा गरीब, उसके अंदर गरीब होने का अहंकार है। अमीर के पास तो चलो ठीक है, उसके पास कारण है, अहंकार का कारण मौजूद है, लेकिन इसके पास कौन सा कारण है? और हम रिक्शे वाले तो क्या हुआ, क्या हमारे पास दिल नहीं है? अब वो अपने अपने ढंग के, उनके अहंकार है, उनके अपने अहंकार है, छोटे मोटे सही, वो इतने हैं या इतने हैं, फर्क क्या पड़ता है सबके पास। तो प्यार से एक एक बात में इस अहंकार का नाश कैसे हो, आप जब जाग जाएं, देखें, इस बात के प्रति सचेत होते जाएं कि ये काम मैं प्रेम से भरकर कर रहा हूं, भक्ति पूर्वक कर रहा हूं, प्रीति पूर्वक कर रहा हूं, या अहंकार पूर्वक कर रहा हूं। आप खाना परोसने जैसा सिंपल काम भी अहंकार पूर्वक कर सकते हैं, कर सकते हैं बिल्कुल अहंकार से, और प्यार से भी कर सकते हैं उसी चीज को, उसी चीज को आप प्रभु को समर्पित करके भी कर सकते हैं। बस इतनी सी बात है, इतनी सी बात है। अगर इसका थोड़ा सा भेद समझ में आ जाए ना, कि जो चलूं तो करूं परिक्रमा, कबीर साहब कहते हैं मैं चलता हूं तो मैं तेरी परिक्रमा करता हूं। अब ये उनका भाव देखो, है कमाल का भाव है, कहता है मैं चलता हूं तो तेरी परिक्रमा करता हूं, मैं सोता हूं तो तुझे दंडौत करता हूं, मैं खाता हूं तो तुझे भोग लगाता हूं। ये बड़े कमाल की बात है, कहते खाता मैं हूं, भोग तुझे लगता है। ये कौन सा बात हुई, ये कौन सी बात हुई? लेकिन भाव, भाव परमात्मा को इतना सा प्यार, और उसको रिझा लिया, उस थोड़े से प्यार के बल पर वो परमात्मा को रिझा लेता है अपने इस प्यार से। समझ में आ रही है बात? ये बात छोटी नहीं है, सारा खेल इसी भाव का है कि आप इतने प्यार से कैसे आप कनेक्ट हो जाते हो परमात्मा के साथ। क्या आपके दिल में भी प्यार बढ़ रहा है या घट रहा है, जरा ये देख लेना। बस इसी पर खेल चल रहा है सारा, ये सब खेल चल रहा है कि आप प्यार में जी रहे हो या अहंकार में जी रहे हो। बस इसी बात को थोड़ा समझ लेना है। अपनी डे टू डे छोटी छोटी एक्टिविटीज को देखे, काम काम से फर्क नहीं पड़ता, काम बड़ा है या छोटा है, बस इतना सा फर्क पड़ता है कि काम अहंकार पूर्वक किया जा रहा है या प्यार पूर्वक किया जा रहा है। इसमें सारा खेल समाया है। तो चलिए इस बात को आज से दिल में नोट कर लें कि अगर अगर प्रेम में जीना है, आनंद में जीना है, तो इस अहंकार को छोड़कर अपने अंदर या तो साक्षी बन जाओ, अगर आप ज्ञानी हो तो साक्षी बन जाओ भीतर से, और अगर आप प्रेमी हो तो भक्त बन जाओ और समर्पित करते चलो। दोनों में से जो अच्छा लगे पहुंचोगे वहीं, कोई फर्क नहीं है दोनों के अंदर, एक साक्षी में भी और एक प्रेमी में भी कोई ज्यादा फर्क नहीं है, ना के बराबर, बस थोड़ा सा इधर उधर। बस प्रेम के साथ ये है कि प्रेम आनंद पूर्वक चलता है, प्रेम चलता है वो ग्रीनरी वाला मार्ग है थोड़ा सा, ये ज्ञान मार्ग थोड़ा सूखा सूखा सा है, ड्राई ड्राई सा है, तो मतलब उसमें वो ग्रेवी वाला है और ये बिना ग्रेवी वाला है, तो समझ लेंगे आप। तो वो थोड़ा सा प्रेम मार्ग जो है वो सरस है, उसमें आनंद है, रस भरपूर है। अभी कोई प्रेम भरा भजन लगा लो, सब प्यार से झूम रहे हैं, राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, अब इनको मजा आ रहा है। अब ज्ञानी कहेगा भाई इनकी कौन सा पागलपन चढ़ा हुआ है इनको, राधे राधे गोविंद गोविंद, कौन सा पागलपन चढ़ा हुआ है भाई, चढ़ा हुआ है हमारे तो चढ़ा हुआ है, तो धर ले अपनी अपने ज्ञान ने उड़े कौन से कुंड में रखेगा। अब उसे पूछो तो भाई के कर लेगा अपने किस ज्ञान का, जो तेरे दिल के अंदर जो जो आनंद को मिटा दे उस ज्ञान का आचार डालेगा। तो ज्ञान, अगर आपको ज्ञान बोध पैदा करता है अंदर, बहुत उत्तम, बट ज्ञान अगर अहंकार पैदा कर दे तो वो आपके लिए मुसीबत हो गया। और बिल्कुल आप एक प्यार भरा बैलेंस बना सकते हैं दोनों के बीच में, अपने प्रति जागरण और दूसरों के प्रति प्रेम, क्या ये नहीं किया जा सकता? बिल्कुल किया जा सकता है, हाँ या ना? हाँ जी, बात समझ में आ रही है? YouTube वाले मित्र सब समझ पा रहे हैं इस बात को? अपने प्रति जाग कर जिए, अपने प्रति ज्ञान अहंकार के प्रति जागे रहें भीतर, और दूसरों के प्रति प्रेम का भाव, ठीक है, दूसरों के प्रति प्रेम का भाव, दोनों का एक अच्छा सा बैलेंस बना रहेगा।
इससे क्या होगा, क्योंकि देखो एक संसार में, मैं आपको बता दूं, क्योंकि प्रेमी जो है ना, प्रेम का जो भाव है संसार में, ये बहुत प्रेमी, अब दूसरों के सामने आप दिखाओगे कि नहीं कि मेरी आंखों से आंसू बह रहे हैं, दुनिया जीने नहीं देगी आपको। अगर आप बहुत प्यार में जियोगे ना, प्रैक्टिकली आप ऑफिस जा रहे हो बैठे हो और आपके मन में कोई भक्ति भाव अगर आपके आंखों से बस ये चालू हो गया मामला, फिर दुनिया जीने नहीं देगी, बहुत तंग करेगी और आपके इमोशनल फूल बना देगी, आपको बेवकूफ बना देगी, डिक्लेयर कर देगी ये तो ऐसे। तो डोंट डू दैट। दुनिया को अपने प्रेम को दिखावा नहीं करना, किसी भी तरीके से दिखना नहीं चाहिए। अंदर आनंद, अपने प्यार हो, लेकिन अंतर गुरु आराधना, अंतर में गुरु को याद करना, जिव्या जप गुरु नाम, जीव से अंदर से जपना, गुरु के नाम का जाप प्रेम पूर्वक अंदर करते रहना, लेकिन दुनिया को नहीं दिखाना, जितना हो सके इसको गुप्त रूप से। जिन लोगों ने भी महान सफलताएं पाई हैं उन्होंने यही रास्ता अपनाया है। ये लोग ज्ञान और प्रेम दोनों को साथ लेकर चले। आज का टाइम वही है कि संसार से डील करनी है तो ज्ञान चाहिए, और परमात्मा से डील करनी है तो प्रेम चाहिए, राइट? तो दोनों को साथ लेकर चला जा सकता है। संसार में भी जीना है, हिसाब किताब भी करने हैं, तो इस हिसाब से तो दोनों का परफेक्ट बैलेंस करवा के चला जाए साथ साथ में। और अकेले बैठो तो रो, खूब रो प्यार से, बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा। जैसे लड़कों को शुरू से ट्रेनिंग दी जाती है ना कि अरे क्या लड़कियों की तरह रो रहा है, क्या दिक्कत है भाई आपको, कोई पूछने वाला हो, तुम उसके आंसुओं को भी नहीं गिरने दे रहे हो क्या? इतना तुम कौन सी उसको पढ़ाई करवा रहे हो, ऐसा उसको क्या सिखा रहे हो? लड़के होने की ट्रेनिंग दी जा रही है और उसको ये बताया जा रहा है कि तू किसी तरीके से, मतलब उसके अंदर कि उसको, उसके अंदर जो प्रेम और करुणा का भाव था, एक लड़का अगर रो रहा है तो माँ बाप उसको रोने नहीं देंगे, लड़की रो रही है तो कोई बड़ी बात नहीं है, ये भेदभाव ना शुरू से कर दिया जाता है। और हमारे को लगता है कि जो रो रहे हैं वो तो ऐसी होते हैं अरे गहरे से, वो लोग तो ऐसी लड़कियां रोती रहती हैं ऐसे। मैं सही बता रहा हूं, अगर कोई लड़का रोता नहीं है ना तो वो एक दिन इतना अहंकारी हो जाएगा, या इतना जुल्मी हो जाएगा, या वो अहंकारी हो जाएगा, जुल्मी हो जाएगा, प्रेम का नामो निशान अंदर सूख जाएगा बिल्कुल। इसलिए प्रेम में जीना, दोनों बातों का मिक्सचर चले ना। परमात्मा ने पुरुष भी बनाए हैं और स्त्रियां भी बनाए हैं, दोनों बनाए, दोनों का अपना वे है, दोनों की जरूरत है, दोनों की जरूरत है। तो हमारे अंदर स्त्रैण भाव भी और पुरुषत्व भाव भी, हम आधे आधे 50-50 कॉम्बिनेशन है माता पिता का, तो 50-50 हमारे अंदर ये बैलेंस बना रहे, एक तरफ प्रेम और एक तरफ ज्ञान, एक तरफ शक्ति और एक तरफ समर्पण। संसार के लिए शक्ति भी जरूरी है, इसलिए जब हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन की बात करते हैं, हाँ मुझे चाहिए चाहिए चाहिए, इसके बिना संसार नहीं मिलता। लेकिन यहां आकर समर्पण भाव से हम प्रभु के आगे रख देते हैं, तो इससे क्या होता है, एक ब्यूटीफुल बैलेंस दोनों के बीच में क्रिएट होता है। इसलिए जब 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 आपको, जब जब अंदर से आंसू बहें उसको भी स्वीकार करना, और जब जब ज्ञान जागे उसे भी स्वीकार करना, और कभी जब ज्यादा ज्ञानी हो जाओ ना तो फिर से कोई रोने वो डोने वाले भजन लगा लेना और रो पड़ना, ताकि ये जो अहंकार जो थोड़ा बहुत गलती से बन जाए ना वो फिर बह जाए, प्रेम अश्वों में बह जाए सारा ज्ञान और ध्यान, सदगुरु के चरणों में आकर लग जाए प्रेम का बाण, ऐसा लगे कि वो आर पार हो जाए बस। सतगुरु मेरा सूरमा करे शब्द की चोट, माले मारे गोला प्रेम का दहे भ्रम का कोट। वो पहले हमारे अंदर से भ्रम मिटाते हैं, अहंकार मिटाते हैं, फिर प्यार बख्शते हैं अपना। तो वो प्यार, प्यार पाने के लिए प्रयास किया जाए, प्यार से प्रयास किया जाए। तो इसके लिए नम्रता, खाकसारी, ये प्रभु को बड़ी पसंद है। अपने आप को मिटा दे अपनी हस्ती को, अगर कुछ मर्तबा चाहे कि दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार होता है, कि दाना
खाक में मिलकर गुले गुलजार होता है। बस वो गुरु के प्रति समर्पण, अपने इष्ट के प्रति समर्पण का भाव, प्यार का भाव, और इधर संसार के प्रति एक बैलेंस्ड भाव। इस तरीके से ये भक्ति और ज्ञान का मार्ग सहज रूप में आपको आगे भी लेकर जाएगा और अंदर में आनंद भी देगा, तो ऐसे लंबे समय तक सर्वाइवल चल सकता है। उम्मीद करता हूँ बात समझ में आ गई होगी। आज के लिए इतना ही टॉपिक था। सुबह फिर से कनेक्ट करेंगे, यानी सुबह 4:30 बजे। तो कोशिश करें, सभी लोगों से प्रार्थना है, बाकी लोगों को भी लिंक फॉरवर्ड कर दिया करें कि हम भी अपने अपने सुबह 4:30 बजे साथ जुड़ सकें। तो ज्ञान की यात्रा सुबह करेंगे, भक्ति की यात्रा शाम को करेंगे। दोनों चीजें जीवन में बराबरी पर चलती रहनी चाहिए, राइट। चलिए अभी उसी भाव से, प्यार से, प्रेम में डुबकी लगाते हैं। अब ज्ञान ध्यान को सारा भूल जाओ और प्रेम को पकड़ लो, क्योंकि प्रेम जो है, राम ही केवल प्रेम प्यारा, जान ले हो सो जानन हारा, साच कहो सुन ले हो सबै, जिन प्रेम कियो तिन ही प्रभु पायो। बस अल्टीमेटली आखिर में यही चीज, यही एकमात्र चीज साथ में ये याद रहनी है कि जिन प्रेम कियो तिन ही प्रभु पायो। आइए, सुबह भी हमने भजन सुना था, एक दो लाइनें इस भजन के सुन के फिर हम इसको फिनिश करेंगे। आइए गुरु नानक साहब जी की पवित्र वाणी को लेते हैं और प्यार में डुबकी लगाते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिए प्लीज। सुन ले हो सब, जिन प्रेम कियो दिन ही प्रभु पायो। साच कहो सुन ले हो सब, अति प्यार से सुन लो, प्रेम किया उसने ही प्रभु को प्राप्त किया। सुन ले हो सबे, सुन ले हो सबे।
हमारे सतगुरुदेव भगवान जी प्रेम के साकार मूर्त जब भी कोई बात करेंगे ना, हमेशा बस इसी चीज को महत्व देंगे कि किस भाव से सामने वाला दे रहा है। छोटी छोटी बातों को नोट करेंगे किस प्रेम, इसके अंदर समर्पण भाव कितना है। एक बार किसी लेडी ने कुछ गुरुदेव के चरणों में कुछ भेंट किया, कोई सामान घर से लेकर गई, मिठाई या कोई ड्राई फ्रूट कुछ ऐसी चीज लेकर गई, तो वो सतगुरुदेव भगवान जी के आगे वो रखा, भेंट किया, तो गुरुदेव ने उसको लेके रखवा दिया, भी ठीक है रख दो पीछे, लेकिन उसको प्रसाद दे दिया, मतलब उसके बदले में जो भी जैसे गुरुदेव देते हैं बदला, तो क्या होता है मतलब प्रसाद देना ही देना होता है हमेशा, लेकिन अगर कुछ उसने दिया तो उसी में से कोई थोड़ी सी चीज रख के बाकी उसको वापस कर देते हैं ऐसे। तो गुरुदेव ने जब उसको वो वापस किया तो देखा उसके मन में ना कुछ चल रहा है, प्रभु दयालु भगवान है, ये उस लेडी ने बाद में बताया, तो राइट, तो उसने बताया कि मेरे मन में ये चल रहा था कि गुरुदेव जो ये सामान मैं लेकर आई हूं, सामान तो रख ले, ये जो थैली है ना, थैली ये बड़ी सुंदर है, थैली मुझे वापस कर दे। अब सोच के देखो बाकी सारी बातें ठीक है, लेकिन वो थैली जो है उसके मन में चल रहा है कि थैली मुझे वापस कर दे भगवान। तो उन्होंने वैसे ही गुरुदेव ने जैसे सामान वो रखवाया तो गुरुदेव ने इशारा किया कि वो थैली जो भी रखी है ना वापिस लेकर आओ, तो वो वापिस देके उसको भेजा। अब जैसे उसके हाथ में वो गई तब उसको वो याद आ रही है कि कितना दुख इस बात का हुआ कि मेरा मन कितनी छोटी बात के अंदर अटक गया, जब एक तरफ मैं सब कुछ समर्पण कर रही हूं, एक छोटी सी थैली में मेरी सुरती अटक गई, मेरा ध्यान अटक गया, बात कितनी छोटी सी है, एक छोटी सी थैली में ध्यान अटक गया, हाँ थैली मुझे वापिस कर दो, बात है अब सब कुछ भेंट करो और एक थैली। मैं सिर्फ आपको ये कहना चाह रहा हूं कि गुरुदेव उस दिन फरमा रहे थे कि ऐसी छोटी छोटी बातों में लोग अटक जाते हैं। गुरु यहां पर बैठकर अलग अलग ढंग से हमें क्यों समझाते हैं कि ताकि यही बैठकर हमारे मन से सारे संशय भ्रम दूर कर दिए जाएं और लास्ट में हम अटक ना जाएं, हम किसी इतनी छोटी सी बात में अटक ना जाएं, कहीं हमारा अहंकार हमें उलझा कर बिठा दे या कोई ऐसी मोह ममता हमारी अटक कर बैठ जाए, क्योंकि लोग ऐसे छोटी छोटी बातों के कारण यहाँ से पार होने से रह जाते हैं और बहुत दुखद होता है, वो बहुत दुखद होता है। आप चेक करके देखें किसी भी मोमेंट पे कि हमारे मन की कंडीशन क्या होती है, कि हम छोटी बातों में उलझे तो नहीं है, क्या हमें ऐसे पार, क्या हमारा मन किसी मोह में ममता में, पांच मुख्य जो विकार है इनमें अटका तो नहीं है, काम क्रोध लोभ मोह और अहंकार, इनमें से कोई भी चीज हमारे लिए बड़ी दुखदाई होती है। तो हम प्रार्थना करते हैं परमात्मा हमें इन सब से बचा कर रखे और प्रेम पूर्वक अपना स्मरण दे, अपनी याद दे। राइट, अब इसको हम समाप्त करते हैं। ये जो यूट्यूब पर जो लाइव होता है सुबह का जो मेडिटेशन, वो आत्मज्ञान वाले चैनल पर लाइव होता है, तो आपसे सभी से रिक्वेस्ट है कि अगर आप देखना चाहते हैं तो आत्मज्ञान चैनल पर आप उसको देख सकते हैं। आज सुबह का भी जो था वो लाइव हमने डाला हुआ है वहां पर, आत्मज्ञान चैनल पर वो डाला हुआ है, अगर आपने नहीं देखा हो तो उसको देख लो, मैं उसका लिंक अभी भी दे देता हूं ताकि आप अभी देख पाओ उसको। तो ये है उसका लिंक, मैं आपको भेज रहा हूं अभी। तो ये YouTube पर मैंने इसका लिंक डाल दिया है, आप इसको जो आत्मज्ञान वाले चैनल पे इस चैनल से कनेक्ट हो जाओ, सुबह आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा 4:35 पे। अगर आप लेट भी उठते हैं मतलब, तो बाद में भी ज्वाइन कर लें, पूरा सेशन लेकिन अटेंड करें जब भी आप करें, इसीलिए यूट्यूब पे डाला जा रहा है ताकि आपको पूरा पूरा सेशन यू का यू रिकॉर्डेड मिल जाए, क्योंकि जूम वाला सेशन फिर आप देख नहीं पाते, तो इसलिए ये किया जा रहा है। तो इसके लिए सभी से रिक्वेस्ट है कि इसको अच्छे से बड़े प्यार से उसको प्रैक्टिस कर लें और औरों को भी फॉरवर्ड कर दें, क्योंकि वो सबके लिए अवेलेबल है। राइट, देखा मैंने उसमें सुबह से करीब 3200-3300 व्यूज जा चुके हैं, तो लोगों ने देखा ही होगा,
वैसे हम करते तो 700-800 900 लोग जितने लोग देख सकते थे वही देखते जो जूम पे होते हैं, लेकिन यूट्यूब पे डाल देने से कल भी परसों भी या कभी भी कोई देखेगा तो उसके लिए वो सदा अवेलेबल रहेगा। तो कोशिश करें कि वो सबको अवेलेबल हो जाए। राइट, अब हम इस सेशन को यूट्यूब पर समाप्त करते हैं और जूम पर 5-7 मिनट के लिए और कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया सभी हमारे जूम वाले यूट्यूब वाले मित्रों के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद। सत्र को यहाँ पर समाप्त करते हैं। थैंक यू वेरी मच। इस यूट्यूब लिंक को सब्सक्राइब कर लें चैनल को, अगर आप उस पर कनेक्टेड नहीं है तो ये सारा उसी पे ही रहेगा जो सुबह के सेशन रहेंगे, क्योंकि वो ज्ञान से रिलेटेड हैं तो वो उस पर रहेंगे। भक्ति वाला सेशन जैसे अभी ये भक्ति चैनल पर चल रहा है तो ये इसके लिए चैनल डिफरेंट इसीलिए रखा हुआ है ताकि लोग मिक्स ना करें गड़बड़।